देखिए, कोरेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चारों जोन में हमने 15 कलेक्शन पॉइंट बनाए हुए थे एलआईशू के को कलेक्ट करने के लिए, और ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और तकरीबन हमारे तमाम कलेक्शन पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अभी जो ट्रेंचेज हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, और वहाँ पे जो फाइनली एलआईशू हैं उनको डिस्पोज किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में ट्रेंचेस का काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर इस पर मिट्टी जो है वो डाली जाएगी, चूना डाला जाएगा, और कल और परसों जो है उसको मुकम्मल तौर पे वहाँ पे उसको बंद भी कर दिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईद उल अज़हा में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है उसमें तमाम हमारे जो यूसी चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे, तमाम हमारे वाइस चेयरमैन थे यूसी के, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो था वो उसने इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में टेंडर किया हुआ था, उनका जो उनके अफसरान जो थे वो भी 3 दिन हमारे साथ रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने विजिट भी किया डिस्ट्रिक्ट औरंगी में, मेयर साहब यहाँ पर आए, तो सब लोगों की ज्वाइंट एफर्ट्स थी, सबका एक टीम वर्क था, सब ने मिल के काम किया, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट औरंगी में रिजल्ट जो थे वो बेहतर आए। ख़ासतौर पर डीसी औरंगी शहरियार जो थे वो हमारे साथ मुसलसल रबते में रहे, हमारे साथ विजिट भी किया डीसी औरंगी शहरियार ने। तो हम सब की ज्वाइंट एफर्ट से जो है वो डिस्ट्रिक्ट औरंगी में दुर्दशा का जो काम था वो बेहतर अंदाज में हुआ, और अब जो है वो ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने हमारे साथ टीम वर्क में आके काम किया, और डिस्ट्रिक्ट औरंगी में एलआईशू के हवाले से वर्किंग की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये है कि सफाई मुहिम जो है इनशाला हम करने जा रहे हैं, ताकि जो कचरे के इश्यूज़ हैं उसको भी रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हमारे पास जो कचरा उठता है यहाँ से वो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े जो ट्रक और डंपर्स हैं वो सारे एलआईशू पे लगे हुए थे, जिसकी वजह से जीटीएस जो है वो हमारे खाली नहीं हो सके। तो अब कचरे के ऊपर इंशाल्लाह लगेंगे, ताकि जो कुंडियों पे आपको कचरा नजर आ रहा है वो भी साफ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।